पन्ना का अवध बिहारी मंदिर अब शासन संधारित हो गया है। पन्ना के अवध बिहारी जू मंदिर मामले पर जिला अपर न्यायालय का फैसला आया है। मंदिर के पूर्व पुजारी द्वारा मंदिर सहित करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कूटरचित षड्यंत्र रचा गया था, जिस पर लंबी न्याय की लड़ाई के बाद भगवान को खुद न्याय मिला है। शहर के समाज सेवियों सहित पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस न्याय की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला मंदिरों की नगरी के नाम से विश्वविख्यात है। इस पवित्र नगरी में ऐसे बड़े ही ऐतिहासिक प्राचीन स्टेट समय के मंदिर हैं, लेकिन शहर के कुछ प्राचीन मंदिरों में पूर्व पुजारियों सहित उनके परिजनों और दबंगों ने अपना कब्जा जमा लिया था, जिसमें वे पन्ना शहर के बीचों बीच स्थित अवध बिहारी जू मंदिर और मंदिर की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर मंदिर के पूर्व पुजारी के परिजनों की बुरी नीयत पड़ गई। फर्जी दस्तावेज बनाकर कूटरचित नीति से मंदिर और मंदिर की जमीन को हड़प लिया गया था। इसके बाद शहर के कुछ समाज सेवियों ने मंदिर को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार भगवान अवध बिहारी को न्याय मिल गया। जिला अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मंदिर को शासन संधारित मंदिर कर दिया है। अब पन्ना शहरवासियों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोग मान रहे हैं कि जैसे अयोध्या में भगवान राम को लंबे समय के बाद न्याय मिला था, ठीक उसी प्रकार पन्ना के भगवान अवध बिहारी जू को न्याय मिला है। तब उनके द्वारा एक प्रकरण वहां पे चलाया गया और मंदिर को प्रबंधक जो है कलेक्टर घोषित कर दिया, शासन संधारित मंदिर घोषित कर दिया, जिस पर व्यवहारवाद जो है माननीय व्यवहार न्यायालय में चला, जो वर्ष 2014 में निराकृत होकर शासन के पक्ष में हुआ और केशरी प्रसाद वगैरह की जो दावा था वो निरस्त कर दिया गया। एक प्रकरण की फिर अपील जो है माननीय अपर जिला न्यायाधीश श्री अनुराग द्विवेदी के यहाँ 2014 से लंबित थी। इस लॉकडाउन के पीरियड में माननीय न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया और मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष छोटे से लेकर बड़े बड़े बिंदु तक, यहाँ तक कि जो रामलला विराजमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो राम मंदिर के संबंध में निर्णय दिया गया था, वो पन्ना के राम मंदिर के निर्णय के समय भी दिया गया, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष को मजबूत मानते हुए केशरी प्रसाद गोस्वामी वगैरह की अपील जो है निरस्त कर दी गई। उस समय जो है पुजारी वगैरह को पूजा अर्चना के लिए रखा गया था, लेकिन उसी दरमियान पुजारियों ने कुछ कूटनीतिक चाल चल करके इस तरह से मंदिर को हटाने की गहन साजिश रची कि केसरी परिवार ने इस मंदिर को अपने नाम हर तरह से करवा लिया। इसकी जानकारी हम लोगों को सन 2010-11 में लगी, तो हम लोग जो है पांच लोग, मैं, जगदीश नामदेव, मुकेश विश्वकर्मा, के यादव, राजकरण सेन और जो है संतोष चाणक्य एकवार, हम लोगों ने साथ इकट्ठे मिल करके और इसके समस्त दस्तावेज नगरपालिका से, निजूल से, तहसील से, जहाँ से भी उपलब्ध हो सके, पुराने से पुराने दस्तावेज हासिल करके और इसको जो है जिला प्रशासन के समक्ष रखा। जिला प्रशासन द्वारा उक्त केस को पन्ना SDM कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर हम लोग निरंतर केस को लड़ते रहे, जिसमें कई किस्म की अनेकों बाधाएं आई हैं, लोगों को धमकी से लेकर के और खरीदने तक का प्रयास किया गया, लेकिन सारी समस्याओं से लड़ते हुए, जूझते हुए हम लोगों ने केस लड़ा और उस समय जो है सन 12 में हम लोगों को केस में पूरी सफलता मिली। यह ऐतिहासिक मंदिर 130 वर्ष पुराना है, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी की सुंदर और भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। राजा महाराजाओं के समय निर्मित इस मंदिर में विधिवत पुजारी नियुक्त किए जाते थे, जो समय समय पर भगवान की पूजा अर्चना, आरती और धार्मिक आयोजन किया करते थे। लेकिन विडंबना यह है कि कहावत है कि जब बारी ही खेत को खाने लगे तो खेत का क्या हाल होगा। ऐसा ही मामला पन्ना के अवध बिहारी जू मंदिर में देखने को मिला। इस मंदिर में नियुक्त पुजारी के परिजनों ने भगवान सहित पूरा का पूरा मंदिर ही हड़प लिया और घुसखोरी करके मंदिर सहित पूरी संपत्ति को अपने नाम पर नामांतरण करवा लिया था। यहां तक कि भगवान के दर्शन भी श्रद्धालुओं को दुर्लभ हो गए थे और षड्यंत्रकारियों द्वारा भगवान के कपाट बंद कर दिए थे। मंदिर को तोड़कर मकान नुमा निर्माण भी करवा लिया गया था, लेकिन शहर के जागरूक धर्मप्रेमी और समाज सेवियों ने मंदिर को बचाने के लिए अथक प्रयास किया और वर्ष 2011 से लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, जिसमें अब जाकर जीत मिली है। ये मंदिर नगर के बीच में राजाशाही समय का बनाया हुआ मंदिर है। लगभग 130 साल पुराना मंदिर है ये। इसको लोग मानिक जी को मंदिर नाम जानते हैं।
ये श्री अवध बिहारी मंदिर का है जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संधारित है। और ये विश्व हिंदू परिषद के कुछ हमारे मुकेश भाई अन्य लोगों ने मिलकर इसको केस लड़ा है और इसकी पूरी न्यू केस की मुकेश के पास थी, लेकिन क्या है कुछ दरिंदों ने इस पर कब्जा कर लिया जो पूर्व से सेवा पूजा करते आए और करते करते इसमें कब्जा कर लिया। और इन्हों के प्रयास से हमारे पन्ना नगर के नागरिक जो मुकेश भाई चाणक भाई, इन लोगों ने बहुत प्रयास करके इस केस को जीतने में हासिल की। पहले पन्ना नगरपालिका, ग्वालियर, ग्वालियर के बाद फिर पन्ना, फिर हाई कोर्ट, सभी जगह से ये परास्त होते होते आज हमको इस फैसला अखबार में पढ़ने को मिला। मुकेश भाई ने खबर दी कि भगवान राम जी की विजय हो गई और विजय होने के बाद साथ नगर में कई लोगों को खुशी हुई। और मंदिर की मूर्तियां जो है अद्भुत मूर्तियां हैं, इनको किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं कर सके दरिंद्र। आज भी ये कलाकृति में और पुरानी भारतीय संस्कृति के आधार पर पन्ना नगर का पहला मंदिर है जो 3 गुंबज युक्त मंदिर है। इस मंदिर की संस्कृति को नष्ट करने के लिए दरवाजे सिंह द्वार थे, मेन गेट तोड़ दिया है, अब ये एक मकान सा रह गया है। लेकिन आज की स्थिति में भगवान की कला बरकरार है, दरिंदे घर से बाहर निकल चुके और नगर में खुशी की लहर दौड़ रही है। आज सुबह जैसी फैसला देखा तो 500 लोग आए, हमने कहा सब आप लोगों की विजय है, भगवान की आज विजय हुई। जिस प्रकार से अयोध्या में विजय प्राप्त हुई, इसी प्रकार पन्ना नगर में श्री राम मंदिर की विजय प्राप्त हुई है। देखिए अवध बिहारी जी का मंदिर यहाँ कटरा मोहल्ला में पन्ना में है और ये शासन संधारित मंदिर था, लेकिन कुछ प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कुछ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके इसे निजी मंदिर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। इसको लेके उन्होंने पहले लोअर कोर्ट में अपनी अपील की थी और वहाँ से हम लोगों ने अपनी पैरवी की थी और उससे जीते थे। उसकी अपील अपर कोर्ट में, अभी जिला अपर कोर्ट में हुई थी, यहाँ पर भी पक्ष रखा गया है और इसके दस्तावेज जो हैं वो कोर्ट ने माना है कि वो फर्जी हैं, इसलिए उनकी अपील को निरस्त किया गया है और ये मंदिर को शासन संधारित मंदिर के रूप में ही रखा गया है।